गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ लोगों के लेक्चर प्रॉपर टाइम पर अपलोड हो रहे होंगे, आई थिंक सभी को मिल जा रहे होंगे क्योंकि मैं तुरंत ही भेज दे रहा हूँ। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई भी बता देना मुझे। दूसरी बात, पहुंच रहे हैं प्रॉपर, अपलोड हो जा रहे हैं क्वेश्चन, ये लेक्चर? जी सर। चलिए ठीक है। हाँ सर। कल मैंने कोलिजन स्टार्ट कराया था और आप लोगों को बताया था कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को एक बात डिस्कस की थी कि कोलिजन में अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉल किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराई जाए तो वो अब वापस, अगर ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है तो वापस कितनी हाइट तक जाएगी? एच हाइट से अगर गिराई है तो ई स्क्वायर एच हाइट तक वापस जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो वापस लौटी हाइट और जो इनिशियल हाइट है उसमें रिलेशन ये होगा। लेकिन अगर यही काम मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कहूँ तो क्या होगा? अगर मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है जिसको मैंने फेंका और यहाँ टकराया, ये बॉल को यहाँ टकराई, फिर इसके बाद चूंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है तो मान लीजिए इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने फेंका है और ये एच मैक्सिमम हाइट तक गई है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पहली बार में टी है और मान लीजिए पहली बार में रेंज जो है वो आर है, तो जो अगली बार टिप खाने के बाद दोबारा जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है तो ये कितनी होगी रेंज? मान लीजिए आर डैश है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश है और मैक्सिमम हाइट एच डैश है। तो अवर मोटिव इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर डैश, टी एंड टी डैश एंड एच एंड एच डैश? दिस इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में कोलिजन करती हुई इस तरीके से बॉल आगे जा रही है, फिर अगर एक का बिहेवियर पता चल जाएगा तो फिर आगे हम फर्दर कोलिजन जो है वो भी पता लगा लेंगे कि कितना होगा। तो हम बेसिकली ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर एक बार रेंज मिली आर तो दूसरी बार कितनी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? हम अगर यू के कंपोनेंट्स करेंगे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो यू के अगर हम कंपोनेंट्स करेंगे तो यू के कंपोनेंट एक आएगा यू कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। और यू यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा अगर देखें तो जब वापस ये घूमता हुआ जाएगा तो क्योंकि अंडर ग्रेविटी हो रहा है मोशन, जी इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट कैन इफेक्ट यू साइन थीटा, इट डज नॉट इफेक्ट यू कॉस थीटा, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो एट द फाइनल पोजिशन और एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन यू कॉस थीटा रिमेन्स सेम जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन यू कॉस थीटा रिमेन्स सेम एंड यू साइन थीटा गेट्स डिक्रीज टिल अप टू दिस पॉइंट एंड आफ्टर दैट इट विल इंक्रीज टिल अप टू दिस पॉइंट एंड इट विल गेन सेम वेलोसिटी। यहाँ पे ई ना लिख के मैं कहीं और लिख दूंगा, यू साइन थीटा ही गेन कर लेगा, है ना, नीचे की तरफ को, जस्ट बिफोर कोलिजन मैं बात कर रहा हूं। जिसको नहीं समझ में आएगा बाद में पूछेगा। और सी ओ आर यहां लिख दे रहा हूं, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही कोलिजन हुआ, जैसे मान लीजिए ये बॉल है
और ये इससे कोलाइड करी दीवार जमीन से u साइन थीटा से। तो जब वापस लौटेगी ये बॉल तो इसकी परपेंडिकुलर मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा e टाइम्स u साइन थीटा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट स्ट्राइक द डज नॉट स्ट्राइक द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई कोलिजन हुआ ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम। हाउएवर वर्टिकल कंपोनेंट गेट्स ई टाइम्स, एम आई करेक्ट? तो यहां पर आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें, तो मैं किसी और कलर के पेन से अगर दिखा दूं, तो मैं मान लीजिए ब्लू कलर के पेन से दिखा देता हूं, तो आफ्टर कोलिजन ये तो हो जाएगा u sin theta into e, और ये वाला कंपोनेंट फिर वही रहेगा कितना u cos theta। ठीक है, तो हमें केवल देखना है कि अब ऑब्वियस है, अभी अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक पार्टिकल को आपने इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा दे रखी है हॉरिजॉन्टली, और u sin थीटा इनटू e ये दे रखी है वर्टिकली। तो अगर आप अभी इस प्रॉब्लम में अगर आप ये निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी h डैश मतलब, तो कैसे निकाल पाएंगे? सिंपली अगर आप चाहें तो रीजनिंग से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको फार्मूलाज याद है, आई थिंक सभी को याद होंगे कि h इज इक्वल टू होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां पे देखें h डैश कितना होगा भाई, u साइन थीटा जो था इस केस में, जो u साइन थीटा था वो अब इस केस में क्या बन गया, u साइन थीटा इंटू e, यानी कि इस केस में u साइन थीटा इंटू e ये कंपोनेंट बन गया, तो यही होल स्क्वायर अपॉन टू, इट मींस e स्क्वायर h हो जाएगा, इट मींस e स्क्वायर h हो जाएगा। सिमिलरली अगर रेंज की बात करूं या टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, तो होता था 2u sin थीटा ओवर g, तो यहां पे फिर e u sin थीटा क्या हो जाएगा, e टाइम्स हो जाएगा, तो ऑब्वियस है e टाइम्स u 2u sin थीटा ओवर g हो जाएगा। तो यहां पे e टाइम्स t हो जाएगा, और रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है फार्मूला, आप लोग नोट भी करते रहे, बहुत सारे लोग कल सेकंड क्लास में जुड़े नहीं थे। मैं आप लोगों से फिर से एक बात कह रहा हूं कि अगर बहुत खराब अगर मैं पढ़ाऊं तो मुझे बता दिया करो आप लोग, लेकिन ऐसे अपनी क्लासेस मिस मत करो। देखिए आपको मैं फिर कुछ बोलना चाहूंगा, हालांकि आप लोगों को लगेगा सर बोलते बहुत हैं, लेकिन ठीक है बोलना जरूरी भी है। जीएस राय या फिर किसी भी जगह पर जहां भी कोचिंग पढ़ते हैं, टीचर एक ही होता है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, मानते होंगे सभी लोग ये बात, सबका सिलेक्शन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सब लोग अपने टीचर की बात अच्छे सुनते नहीं। तो मैं कह रहा हूं आपको, मैं कितना भी खराब इंसान खराब टीचर ही सही, लेकिन आप लोग कुछ दिन की बात है, बहुत दिन साथ नहीं होंगे, ज्यादा दिन साथ की बात नहीं है, थोड़े दिन की बात है, आप लोग साथ रहे तो बढ़िया रहेगा, और जो भी हम सिखा रहे हैं वो सीख लो, हो सकता है आपको कभी इस्तेमाल करना हो इन चीजों का, तो आप भी कभी प्रोफेसर बनो, कभी कहीं आप टीचिंग करो, तो आप लोगों को वो चीजें कम से कम तैयार हो जाए। ठीक है, तो भागने से कुछ नहीं होगा, आप ये समझें कि आप घर पे चीजें कर लेंगे आराम से, तो हमारा मतलब मैं ये कहूंगा कि आप लोग कर तो लेंगे नो डाउट, लेकिन अगर आप लोगों को हम सिखा रहे हैं तो जो काम आप घर पे 4 घंटे में करेंगे वो हम यहाँ आधे घंटे में कर देंगे। तो इसलिए ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि भाई ऑनलाइन टीचिंग में आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं,
आप आए ना आए ये आप लोगों की इच्छा है। अच्छा कॉलेज क्लासेस की वजह से दिक्कत होती है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, फिर भी अगर आप लोगों को अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत ना हो तो केवल मेरी बात सुन लिया करो, भले ही आप मुझे रिस्पॉन्ड ना करा करो लेकिन कम से कम सुन लिया करो। तो मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को अच्छी लगे और दूसरा आपने सीखी ना हो उससे पहले। कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा, ठीक है? आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप फिर भी करने की कोशिश करें, क्लासेस ना छोड़ें, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबल आज की क्लास दो है और कल एक क्लास है, तो ये तीन क्लास आप मान के चलो न्यूटोनियन की है। उसके बाद आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वही चीजें जो आप पढ़ने आए हैं। फिर आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ के हमें, हाँ पढ़ के लगेगा कि आपको कि दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखें, कोशिश करें कि हमारे साथ बने रहे, ठीक है? तो नेटवर्क का इश्यू है तो आप बता देना, आपको आवाज मेरी समझ ना है तो बता देना, राइटिंग ना समझ में आए तो भी बता देना, कोई भी चीज नहीं आए तो बता देना खुल के, बेशक अच्छे करने की कोशिश करूंगा। तो एच डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच होगा। क्यों, आपको क्या करना है? कोर बात ये हुई, इन सब बातों का एक मतलब निकला क्या, कि जस्ट रिप्लेस यू साइन थीटा बाई ई टाइम्स यू साइन थीटा। यही करना है पूरे काम में, इस पूरे सीन में यही करना है कि आपको यू साइन थीटा की जगह ई टाइम्स यू कॉस थीटा रख देना है। आपको अगली रेंज, अगला टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एच का जो फार्मूला था उसमें ई टाइम्स कर दिया तो ई स्क्वायर बन गया, टी का फार्मूला था उसमें ई टाइम्स करा तो ई टी बन गया। और जरा रेंज का फार्मूला देखें तो रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू होती थी, हमने प्रूव करवाई है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा। साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो टू आगे लिख ले रहा हूँ, यू साइन थीटा सेट कर दे रहा हूँ और यू कॉस थीटा एक साथ लिख दे रहा हूँ, अभी भी मेरे हिसाब से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन हाँ, इसके करने से क्या हुआ, ये यू साइन थीटा जो है वो हमें दिख गया अलग से। तो आपको मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आर डैश अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, टू तो वही रहेगा, ये यू टाइम्स ई टाइम्स यू साइन थीटा हो जाएगा और यू कॉस थीटा रिमेन्स सेम डिवाइडेड बाय जी। तो यहां से भी आप देखेंगे कि ई टाइम्स आर हो जाएगा। इट मींस इन ब्रीफ वी कैन राइट एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच, मीन्स एच प्राइम इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच, टी प्राइम इज इक्वल टू ई टाइम्स टी एंड आर प्राइम इज इक्वल टू ई टाइम्स आर। ये आप लोगों को याद रख लेना है, बस ये रिजल्ट बना कि अगली उछाल जो होगी, अगला जो प्रोजेक्टाइल बनेगा वो ई स्क्वायर एच हाइट तक जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ई टाइम्स हो जाएगा और रेंज ई टाइम्स हो जाएगी। इज इट करेक्ट? यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। एक बार डायग्राम बता देना सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइनिंग हुआ था। अच्छा बेटा नोट कर लो पहले, आप डायग्राम भी समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा, सब लोग नोट कर, ये रिजल्ट आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इंपॉर्टेंट। सिचुएशन बहुत खराब है, अभी भी देखें आप कल 2 लाख केसेस आए हैं कोरोना के, और टीवी अगर आप देख लेंगे थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि अंतिम दिन ही चल रहे हैं, कुछ दिन बाद सभी खत्म होने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। इनफैक्ट मेरे बच्चे की क्लासेस भी होती हैं, छोटा बच्चा है उसकी क्लासेस होती हैं, उसको भी कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है? तो उस वक्त ये लगता है कि आप लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पहुंच पा रहा हूँ, कोशिश तो पूरी हो रही है लेकिन इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो बाकी प्लेटफॉर्म शुरुआत में आपने देखा होगा कि ये जो अन्य अकेडमी और बायजू वगैरह और ये सब
जैसे ही शुरुआत हुई थी कोरोना की, बहुत तेजी से इन लोगों ने एड प्रचार चालू कर दिया, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि रिकॉर्डेड चीजें पढ़ने से या लिखी लिखाई चीजें या रटी रटाई चीजें दिखाने से वो एक अच्छा एंकर तो हो सकते हैं वो लोग, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, डील कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। तो जब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं कर पा रहे वो चीज, जिनके पास फंडों की कोई कमी नहीं है, फंड की, है ना, तो हम लोग भी कोशिश एक छोटी सी कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा साथ दोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि हमें, मेरी शक्ल अगर आपको नहीं दिख रही है, स्क्रीन तो आपको क्लियर दिख रही होगी जब पेन से लिख रहे हैं, तो जब हम ऑफलाइन क्लास मोड में होते हैं और क्लास के अंदर बैठे होते हैं तो जो कंसेंट्रेशन होता है बच्चे का वो बोर्ड पर ही होता है, टीचर हाथ से लिख रहा होता है, उसका हाथ दिख रहा होता है, चौक दिख रही होती है और बोर्ड दिख रहा होता है। वैसे ही मान के चलो आपके सामने ये है, और आप बिल्कुल ये फील मत करो कि ये ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, आपको बस समझने से मतलब है। और घर बैठे आप किसी भी कपड़े में बैठकर आप पढ़ सकते हो, किसी भी तरीके के आप उठे हो, तुरंत ही सोकर उठे हो तो भी आप बैठ सकते हो, मतलब कहने का मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी। तो उस सिचुएशन में भी अगर आप क्लास छोड़ोगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, ठीक है। चलिए, किसी बच्चे ने पूछा था कि दोबारा इस डायग्राम को बता दे, तो मैं यही बना देता हूं। अगर आप एक किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो इस तरीके से ये गिरे, अगर कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, एक से कम है, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन अगर हो रहे हैं हर बार, तो कुछ इसी तरीके का पिक्चर तो होगा। ये बात तो समझ रहे हो आप लोग? तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये हैच कैपिटल हाइट है तो अगली उछाल कितनी हाइट तक होगी, ये पूछ लो, तो वो आंसर कितना है, ई स्क्वायर एच। अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट टी है तो ये अगला टाइम फ्लाइट क्या होगा, तो आंसर है ई टाइम्स टी, मतलब जो पहले वाला था उसका उसका ई टाइम्स। और अगर ये रेंज आर है तो अगली रेंज क्या होगी, तो वो उसका कंसर्न है कि ई टाइम्स आर हो, इतना कहना चाह रहा हूं बस। इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए ये किया कि u sin थीटा के मतलब u cos थीटा और u sin थीटा का रोल समझाया। जब टकरा रहा था तो u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी जो थी वो वापस जब लौटता तो e टाइम्स हो गई, लेकिन cos थीटा वाला कंपोनेंट टकराया ही नहीं एक तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ कि e टाइम्स u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट जहां जहां आ रहा है वहां पे आप e टाइम्स कर दो, तो कैपिटल h हाइट में जो है वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो e टाइम्स u sin थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो e स्क्वायर h हो जाएगा। सिमिलरली ये u sin थीटा है, इसमें तो e टाइम्स करोगे तो e टाइम्स h t हो जाएगा, और इसमें u sin थीटा u cos थीटा u cos थीटा तो सेम रहेगा, u sin थीटा e टाइम्स हो जाएगा तो e टाइम्स हो जाएगा। समझ आ गई बात अब? नहीं? हाँ सर। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे ये चीज पढ़ाई क्यों आपने, तो इसको देखो मैंने क्यों पढ़ाई, वो इस सवाल को करवाने के लिए, ऐसे सवाल काफी आते रहते हैं। इनफैक्ट टिफर में 2017 में ये आया और टिफर 2019 में भी फिर ये आया रिपीट। देखिए सब में, दोनों में क्या है, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है किसी बॉल का, उसके बाद का उसका प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन है। तो आप देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको फील आएगा क्या कहना चाह रहा हूं। ए स्मॉल इलास्टिक बॉल, पेज नंबर बेटा मैं नहीं बताऊंगा, और आप लोग मुझसे पूछो भी मत, केवल दो ही असाइनमेंट हैं, लेवल वन में एक है और लेवल टू में एक है, ठीक है, इनमें से किसी एक में होगा आठ नंबर, हर चीज लिखनी पॉसिबल नहीं होती ना, अब हर चीज मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, केवल एक ही असाइनमेंट तो है न्यूटोनियन का, इससे क्या है ना स्पीड नहीं बढ़ेगी। पेज नंबर एक 128 वजह उसकी क्या है कि असाइनमेंट भी किसी के पास हो सकता है, इसमें कुछ एक दो बच्चे ऐसे बैठे हो जो कि रिपीट कर रहे हो, इसलिए आप लोग ये सब चीजें मुझसे मत पूछो, नंबर लिख दिए बहुत है। अरे भाई आंख
सर नई बुकलेट में असाइनमेंट नंबर 12 में 8 और 9 क्वेश्चन है। 124 पे है क्वेश्चन नंबर 8। 124 वॉइस नहीं आ रही, अपना अपना बोल रहे हैं सर। ओके कंटिन्यू कीजिए। नेट प्रॉब्लम हुआ क्या? सर का कनेक्शन चला गया जो हाँ। ये पीयूष को हॉस्ट है, सर को हॉस्ट बना देना। हेलो हेलो। यस सर आ रही है आवाज। यस सर आ रही है आवाज। बेटा एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया, इसलिए मैं नेटवर्क इशू हो गया बेटा, इसलिए ये होस्ट बनाना बेटा प्रत्युष पीयूष पीयूष सर बन गए पीयूष फोगाट। सर बन गए आप पीयूष फोगाट। सर आप होस्ट बन गए हैं। नहीं मैं नहीं बनाऊ, बन गए बन गए। पीयूष फोगाट होस्ट है अभी। नहीं सर हो गया सर, आप नहीं सर क्लासिकल मैकेनिक्स होस्ट है सर। क्लास बेटा पीयूष आप मेरे को होस्ट बना दो सर। आप होस्ट बन चुके हैं, आप ही हैं सर होस्ट। सर आप ही ओके बन गया हूं, बन गया हूं मैं। एक मिनट, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? नहीं सर, बस स्टार्ट हो रही है। आ रही है सर, अभी तक तो नहीं। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है। यस सर। बेटा आप लोग बोलना बंद करो थोड़ा सा, थोड़ी देर हो सकता है स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगे। दो सर इसका 2HR है क्या आंसर? नहीं, हाँ हाँ 2HR है। ओके सर।
हेलो बेटा, मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस सर। अगर बाय द वे कनेक्शन लूज होता भी है और मैं क्लास से बाहर हो जाऊं तो मुझे वेट करना आप लोग, ये नहीं कि आप लोग तुरंत तो छोड़ के चले गए क्लास, ठीक है? ओके सर। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा से पढ़ते हैं कि एक 45 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पर एक इलास्टिक बॉल को टॉप पे रखा हुआ है। बॉल इज अलाउड टू स्लिप विदाउट फ्रिक्शन डाउन द प्लेन अलोंग द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन पे अलोंग ये गिर रहा है, ठीक है? हिट द ग्राउंड एज शोन एंड बाउंस अलोंग इट, ये इसी लाइन के अलोंग जो है बाउंस कर रहा है ऐसे, फिर बी पे जाके गिरा, फिर बी के बाद आगे जाके गिरा, फिर इस तरीके से, ठीक है? इफ द हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज एच, हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज एच एंड कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड इज 1/2, ई इज इक्वल टू गिवन है 1/2, देन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, ए और बी की बीच की दूरी बतानी है। तो सबसे पहली बात, या तो आप इसको कैसे करो प्रॉपर तरीके से जैसे भी, तो एच हाइट से अगर कोई पार्टिकल गिरेगा या कोई बॉल गिरेगी तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट बिफोर द कोलिजन? अंडर रूट 2gh। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दें या आप जैसे मन में करें, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी 0 + mgh और यहाँ पे एनर्जी 1/2 mv² + 0, दोनों को बैलेंस करें तो 1/2 mv² 0 + mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² + 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 2gh, ऐसे समझ लें। समझ आ रही होगी बात की क्या कह रहा हूँ? अब जब इस वेलोसिटी से ये टकरा रहा है तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये वाला और एक कंपोनेंट होगा ये वाला, और ये एंगल 45 ही होगा, आप ध्यान से देखें ये एंगल 45 ही होगा, तो ये होगा अंडर रूट 2gh cos 45 और ये वाला कंपोनेंट होगा, मेरे पास जगह कम है फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, मैं इधर दिखा देता हूं वरना नेक्स्ट पेज पे, चलो यहीं दिखा देता हूं, अंडर रूट 2gh sin 45, अभी मैं इसको मिटा के आगे वाले पेज पे सही से लिखूंगा, ठीक है? अब ये वाला कंपोनेंट जो है टकराएगा तो ये वापस कितने से लौटेगा, e टाइम्स अंडर रूट 2gh sin 45 इससे लौटेगा, तो अगला प्रोजेक्टाइल मोशन आपका क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट 2gh cos 45 यानी 1/√2, और वो वाला कंपोनेंट हो गया e टाइम्स अंडर रूट 2gh मतलब 1/2 अंडर रूट 2gh इंटू 1/√2, तो ओवरऑल ये कंपोनेंट हो गया अंडर रूट 2gh/2 अंडर रूट gh/2 और ये वाला कंपोनेंट हो गया अंडर रूट gh, ये तो हुए। तो ओवरऑल मैं सब कुछ हटा के ये बोल दूं कि ये अंडर रूट gh हो गया कंपोनेंट और ये अंडर रूट gh/2 हो गया। अब आपको बताना है कितनी रेंज होगी इसकी, तो क्या आप निकाल लेंगे इसकी रेंज क्या होगी? आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं, भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, या फिर डायरेक्ट रेंज का फार्मूला आपको पता होगा, तो R इज इक्वल टू क्या होता है u² sin 2θ / g, तो u 2u sin θ into u cos θ
वॉइस नहीं आ रही क्या? फिर से वॉइस चली गई क्या? नहीं यार, सुन गया है फिर से। नहीं आ रही है आवाज भाई। ठीक है, ये श्रीधर वीडियो ऑफ कर ले। सर नेट, फिर नेटवर्क चला गया सर का। पीयूष फोगाट पे वो है। वेट, हेलो, मैं आ गया हूँ वापस में। यस सर। आज बहुत नेटवर्क का इश्यू है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। हेलो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। तो एच आ गया आपका क्या? ये दूरी। और अगर ये एच आ गई, यानी कि ए से लेके सी तक तो एच होगी, क्योंकि ये एच है 45 डिग्री का एंगल है, तो यहां से यहां तक एच होगी। और आगे की रेंज एच आ गई, तो आंसर कितना होगा? 2H। यानी कि अगर मैं इसको कोई पॉइंट मान लू सी, तो एसी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। इट मीन्स ए सी मीन्स एच प्लस सी बी मीन्स एच, तो एच एच टू एच आंसर। समझ में आया किसी को? नहीं सर, एक बार। हेलो, रिपीट कर दो सर, एक बार मैं रोक दिया था। तो पहले तो आप इसको समझो कि ये MGH मतलब एच हाइट से जब आएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा? अंडर रूट टू जी एच से। अंडर रूट टू जी एच के कंपोनेंट अगर करूंगा तो अंडर रूट टू जी एच साइन 45, और एक कंपोनेंट आएगा अंडर रूट टू जी एच कॉस 45 आएगा ना। जब वर्टिकल कंपोनेंट टकराएगा तो ई टाइम्स से वापस जाएगा, तो ई टाइम्स अंडर रूट टू जी एच साइन 45। और e की वैल्यू कितनी है? 1/2 sin 45 1/√2, तो ये √gh/2 आ गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो √gh आ गया। तो ओवरऑल प्रॉब्लम ये बन गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √gh और वर्टिकल कंपोनेंट √gh/2। अब रेंज का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर sin 2 थीटा मींस 2u sin थीटा cos थीटा, तो हम यहां पे आ जाएगा u sin थीटा u cos थीटा। u sin theta means vertical component जो कि under root gh upon 2 है, और u cos theta means under horizontal component जो कि under root gh है। h यहां से आ गया, और h वो आगे वाली थी, तो a h plus h कितना हो गया? 2h हो गया। समझ आ गया अब? Yes sir। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। Projectile motion कैसे कर रहा है? सर प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा सर? ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसके साथ साथ आएगी बॉल, फिर सीधी चली जाएगी ना। सीधी कैसे जाएगी? जब कोई चीज टकराएगी तो टकराने के बाद ऐसे उछलेगी ना भैया। इससे टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे उछलेगी, क्योंकि ये सर ऐसे हो सकता है यहाँ पे कोई ब्रेकर हो, वहां से उछल जाए। हाँ फिर तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा, आप करके देख लो। होगा होगा सर, बिल्कुल होगा, परफेक्टली। आप इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉल को छोड़ के ऐसे टकराई, टकराना उछलेगी, चाहे थोड़ी बहुत ही उछले। हाँ ऐसे थोड़ी बहुत वजह ना, इसके अंदर थोड़ी बहुत उछलेगी ना। ये कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल भी हो वर्टिकल भी है, और जब टकरा के लौटेगा तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होना लाजमी है। वो इसको ऊपर ले जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ये अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो फिर नहीं उछलता ना सर? परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो उछलने तो मीनिंग नहीं है। लेकिन ऐसा है ना, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? इसमें लिखा हुआ है द बॉल इज अलाउड टू स्लिप विदाउट फ्रिक्शन डाउन अलोंग द डॉटेड लाइन, लिखा हुआ तो साफ साफ। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? अलोंग द डॉटेड लाइन लिखा हुआ है साफ साफ। ये डॉटेड लाइन दिख ही रही होगी आपको, ये वाली। यस, तो उन्होंने बता दिया है कि आप इसको मत सोचो। हाँ सर, अगर ये बी से आगे वाला जो मोशन दिखाया हुआ है
अगर कोई ये हाँ ये आपका क्वेश्चन ये जायज है कि अगर कोई आपसे पूछ ले बीडी कितना होगा टू ट्वाइस हो जाएगा ना ई टाइम्स हो जाएगा एच E times H नहीं BD पूछ रहा हूँ BD तो रेंज बताओ कितनी हो जाएगी सर E time R और भी जोड़ देंगे E times R मतलब H by 2 yes sir इससे पहले कितनी थी H थी तो आगे कितनी हो जाएगी E times H मतलब H by 2 yes sir तो अब अगर कोई AD पूछ लेता तो क्या आंसर होता H plus H plus H by 2 H plus H plus H by 2 ठीक है ना और तरीके से सोचो अच्छा दूसरे मेथड से ही बताता हूं आपको चलो आप सोचो कि मान लीजिए आप सोचना जो मैं कह रहा हूं वो सुनना यही तो है इंक्लाइन प्लेन ये वाला आप सोच के देखो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी है अंडर रूट जी एच ना अंडर रूट टू जी एच है ना कितने कितने एंगल पर ये टकरा रही है आके 45 पे है ना मेरी आवाज आ रही है यस सर यस सर तो आप सोचो कि ये ऐसा समझो जैसे कि ये पीछे से आ रही होगी अगर मैं पहले वाले को प्रोजेक्टाइल मोशन ही मान लूं तो ये ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसी जगह से उठ के आई होगी कि 45 डिग्री के एंगल से क्योंकि ये जब 45 पे टकराई है तो 45 से उठी भी होगी और अंडर रूट 2 gh इसकी वेलोसिटी होगी तो बताओगे इसकी रेंज क्या होगी अगर इससे निकालूं तो which? नहीं u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g यही तो फार्मूला लगाऊंगा u स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 2 gh का मतलब 2 gh और sin 2 थीटा निकालूंगा तो कितना आएगा sin 45 प्लस कितना हो जाएगा sin 90 मतलब 1 और ये g तो g कितना आया 2h अब ये 2h आ गया आप सोचना तो फिर अगली उछाल कितनी पे होती है अगली उछाल में कितनी रेंज होगी h हो जाएगा e times 2h e times 2h और e is equal to how much 1/2 तो ये अगली उछाल कितनी होगी h तो यानी ये पता लगा लिए कि ये अगली उछाल h की होगी और ये वाला h था ही तो टोटल आंसर कितना हो गया एच प्लस एच टू एच नहीं समझे एच मैंने बर्चुअल दूसरा एच कहां से आया सर पीछे वो एच बाय टू कैसे आया कौन सा वाला सर बी से डी डिस्टेंस सर बैक टू ना साइड ये वाली हाँ इसमें बी से डी एच बाय टू कैसे आया क्योंकि बेटा ये अगर सी भी बोलूं तो कितनी है ये बताओ एच ही तो प्रूव करी अभी हाँ, तो फिर बीडी क्या होगी ई टाइम्स एच ई की वैल्यू 1/2 है तो इतनी तो होगी ये पूछी नहीं है वैसे आपसे तो एक्स्ट्रा बातें चल रही हैं मैं कह रहा हूं कि ये वाली डिस्टेंस तो एच अभी आपने देखी ली 45 डिग्री का एंगल है तो ये एच होगी ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है तो आंसर क्या हो जाएगा ये भी एच प्लस एच तो समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा हूं सर साउंड नहीं आ रहा
हेलो आवाज आ रही है क्या मेरी? आज बहुत नेटवर्क खराब है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि वजह यह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है अभी फिलहाल। दिख रहा है आप लोगों को पिक्चर? यस सर। नहीं सर। नो सर। अब दिखेगा, अब दिखेगा, अब दिख रहा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल एंड ग्राउंड इज एप्सिलॉन एंड फ्रिक्शनल इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल बोथ ऑन द ग्राउंड एंड इन एयर The horizontal distance traveled by particle from the point of initial impact till it begins to slide along the ground. Till it begins to slide on the ground. मतलब यहाँ टकराएगा, फिर उछलेगा, फिर टकराएगा, फिर उछलेगा, फिर टकराएगा, फिर उछलेगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये ऐसे भागने लगेगा। इसको बोल रहे हैं कि ये begin to slide along the ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक, है ना? तो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये हमें पता लगाना है। तो आप एक बात सोचो, अगर ये थीटा एंगल पे टकरा रहा है तो जरूर उठा भी थीटा एंगल पे होगा, पीछे ले जाए ऐसे अगर तो, ये यू वेलोसिटी से उठा होगा थीटा एंगल से ही, तभी तो थीटा एंगल पे जाके टकरा रहा है। आप एक बात बताओ ये रेंज कितनी होती? ये रेंज आर अगर होती तो ये वाली कितनी होती? एप्सिलॉन आर। अगली वाली एप्सिलॉन स्क्वायर आर एंड सो ऑन सो फोर्थ। यही तो होता है ट्रेल अप टू इंफिनिटी। तो हमारे क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। कहां से जोड़ना शुरू करूंगा सवाल के मुताबिक, कहां से जोड़ना शुरू करूंगा? एप्सिलॉन स्क्वायर आर। हाँ बेटा ये देखो तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ये मैं कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और ये तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो केवल यहीं से स्टार्ट होगी ना डिस्टेंस ट्रेवल करना। ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है टोटल, तो ये एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर आर प्लस एप्सिलॉन क्यूब आर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अगर बाहर ले लूंगा तो एप्सिलॉन अपॉन वन माइनस एप्सिलॉन। ये क्या है? सर आप स्क्रीन बहुत लैग कर रही है बेटा, नेटवर्क का इशू है और कोई बात नहीं। तो ये लास्ट वाला क्या लिए बताना थोड़ा और एक बार। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मेरी आवाज थोड़ी कट रही है ना? हाँ सर। सर आवाज आ रही है, थोड़ा सा इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू है आज।
मैं क्या कह रहा हूँ सुनो मेरी बात को, ये एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर आर प्लस एप्सिलॉन क्यूब आर एंड सो ऑन सो फोर्थ, यही तो होगा अप टू इनफिनिटी। तो आर बाहर ले लूं तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ जीपी का सम ए अपॉन वन माइनस आर, और आर की वैल्यू कितनी होगी ये आर, अगर यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे कोई प्रोजेक्ट करता तो आर की वैल्यू क्या होती, वरना कंपोनेंट करते रहो कुछ नहीं बहुत देर लगेगी। वरना एक तरीका ये है करने का कि आप इसके कंपोनेंट करो वर्टिकल कंपोनेंट को, फिर ई टाइम्स करो उसके बाद सॉल्व करो इससे जल्दी। मैं एक चीज पूछना है सर, ये जो लिखा है कि टिल इट बिगिंस टू स्लाइड अलोंग द ग्राउंड, तब तक वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है ये मतलब पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाउंस कर ले, बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा मैं दिखाता हूँ कैसे, आप एक बात देखो, जब पहली बार उछाल खाएगा तो ये कंपोनेंट तो उतना ही बड़ा रहेगा, ये कंपोनेंट ई टाइम्स हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। फिर अगली बार जब उछाल करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर ई टाइम्स हो जाएगा, यही तो होगा। फिर अगली बार उछाल करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर ई टाइम्स हो जाएगा, फिर अगली बार उछाल करेगा तो वर्टिकल, जितना कम हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही ये उछालना बंद नहीं करेगा जब तक, और जब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तभी ये स्लाइड करने लगेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितनी देर बाद जीरो होगा, इनफाइनाइट टाइम बाद। मेरी बात समझे नहीं? हाँ सर समझ गए। जरा अपनी आईज को इधर से इधर देखो, इधर से इधर घुमाओ अपनी आईज को, सारा खेल वर्टिकल कंपोनेंट का है, वर्टिकल कंपोनेंट होगा तब तो ये मोशन होगी, धीरे धीरे वर्टिकल कंपोनेंट कमजोर पड़ता जा रहा है तो इसीलिए ये हाइट कम पकड़ रहा है, और कमजोर पड़ रहा है तो और हाइट कम पकड़ रहा है क्योंकि e is less than one। नहीं समझ में आ रही है? सर आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये उछलना बंद नहीं करेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितनी देर बाद जीरो होगा, इनफाइनाइट टाइम बाद जीरो होगा। क्लियर है? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, और जल्दी सॉल्व ऐसे हो जाएगा, वेरी ट्रिकी। चले आगे बढ़े, इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके थैंक यू सो मच, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके असाइनमेंट का नहीं है, जैम से लिया हुआ है, या प्रॉब्लम बतौर लिख लो केवल, एक अच्छी प्रॉब्लम है, कभी आपको मिलेगी जरूर, कभी ना कभी आते हुए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत स्टैंडर्ड बुक में है ये प्रॉब्लम। A small ball of mass small m is lying on the top of आवाज नहीं आ रहा सर का। क्वेश्चन लिख लो इतने में। भाई क्वेश्चन थोड़ा धीरे बोलो भाई, हमारे अब से म्यूट कर लो। हेलो बच्चों, आज पता है आज आपको मैं इतना बड़ा लेक्चर दिया और नेटवर्क का इशू हो रहा है, आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। मैं बार बार देखो क्लास से निकल रहा हूँ, क्लास में एंटर कर रहा हूँ,
कोई अच्छा कनेक्शन ले लो। कोई बात नहीं, कनेक्शन सब ऐसे होते हैं, ऐसा ही होता है। और बुरे की कोई सर एयरटेल कनेक्ट बुरे की कोई पहचान नहीं आज की डेट में बेटा, एरिया वाइज डिपेंड करता है ना सब कुछ। फिलहाल आप ये समझे क्वेश्चन को कि एक कैपिटल एम मास की बॉल पर एक स्मॉल एम मास की बॉल रखकर गिरा दी गई है, तो व्हाट इज दी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, व्हाट इज दी वेलोसिटी ऑफ मास स्मॉल एम आफ्टर कोलिजन। और ये बता दीजिए अच्छा कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी अगर एच हाइट से गिरा दी गई है तो। They are released from a given height simultaneously. If the small was what was at h height when it was released, then after the ball have collided once with the ground, the small ball rise approximately to a height. कितनी height तक ऊपर की तरफ को भागेगी? E square h. E square h आप कहेंगे तो e की value कितनी है? इलास्टिक कोलिजन है ना? यस सर, वन वन हो रहा। तो कितनी हाइट तक जाएगी? एच हाइट तक। एच ही जाएगी सर। तो बता दूं ये एच हाइट आंसर नहीं है इसका सर। नहीं होगा ना सर, बड़ा स्पेशल सब नीचे कोलिजन करेंगे ना सर, वो मतलब एक अंडर रूट 2gh से स्मॉल बॉल नीचे जा रही होगी और बड़ा बॉल m से नीचे से ऊपर आ रहा होगा, तो उन दोनों में सर हमें फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपने बताया मतलब कल फाइनल ब्लॉक। हां हां बिल्कुल सही बात है, ये सोचना पड़ेगा आपको। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आप घर पे भी करेंगे ना तो भी आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सुने, सबसे पहले ये एच हाइट की बॉल जो है ये दोनों ही एच हाइट से रिलीज की गई है, ठीक है। तो जब ये गिर रही होंगी बेटा फिर एक ही ऑप्शन रह जाएगा, क्लास को रोकना पड़ेगा। नहीं सर क्लियर है, आप बताएं सर। चलने दो, बार बार रिपीट कर दूंगा ठीक है, अगर वॉइस वॉइस ब्रेक भी हो रही है तो एक दो बार और रिपीट कर दूंगा। स्मॉल एम मास और कैपिटल एम मास की जब बॉल नीचे तक आएंगी तो दोनों चूंकि अंडर ग्रेविटी गिर रही हैं, तो इनके बीच में कॉन्टेक्ट पॉइंट बन नहीं होगा क्योंकि दोनों ही साइमल्टेनियसली नीचे आ रही होंगी। तो एट सम इंस्टेंट जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन ये बॉल किस स्पीड से टकरा रही होंगी? दोनों किस स्पीड से आ रही होंगी नीचे? बड़ी वाली बॉल की स्पीड कितनी होगी? अंडर रूट टू जी एच, और छोटी वाली बॉल की स्पीड भी अंडर रूट टू जी एच। ये दोनों ही अंडर रूट टू जी एच से नीचे गिरेंगी क्योंकि दोनों ही अंडर रूट टू जी एच मतलब एच हाइट से गिरी है। वो पिक्चर पे मत जाओ आपकी बड़ा बड़ा पिक्चर दिख रहा है, ये लगभग रेडियस निग्लेजेबल है दोनों की ठीक है, लेकिन एक हैवी बॉल है एक हल्की बॉल है। अब आप देखो दोनों जब एच हाइट से गिर के आई हैं तो अब नीचे पहले कांटेक्ट किसका होगा? कैपिटल एम का ग्राउंड से। तो पहला कोलिजन क्या होगा? कैपिटल एम ग्राउंड का कोलिजन, कोलिजन ऑफ कैपिटल एम एंड ग्राउंड ठीक है। कैपिटल एम ग्राउंड का जब तक होगा कोलिजन तो कैसा होगा? कैपिटल एम जब ग्राउंड से कोलाइड करने के बाद जब वापस लौटेगा तो कितनी स्पीड से वापस लौटेगा? कोई बताएगा? ई की वैल्यू 1 है क्योंकि जब दिया होनी है तो चले रिपीट कर दो ठीक है। तो अंडर रूट 2gs से ये ऊपर लौटेगी
ठीक है अंडर रूट टू जीएस से, इसके ठीक ऊपर रखी हुई है बॉल स्मॉल एम वाली, वो कितनी स्पीड से नीचे आ रही थी, वो आ रही थी अंडर रूट टू जीएस से, ये ऊपर जाने लगी अंडर रूट टू जीएस से, तो इन अब कोलिजन क्या होगा, सेकंड कोलिजन होगा किसका, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, मतलब कोलिजन ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, उसमें क्या होगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक बॉल हो गई हमारी कैपिटल एम मास की जिसकी स्पीड है अंडर रूट टू जीएस, और एक बॉल हो गई हमारी स्मॉल एम मास की जिसकी स्पीड है अंडर रूट टू जीएच नीचे की तरफ। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी ये निकाल लें, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो एम बी वन प्लस एम बी टू ये फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, नीचे वाली डायरेक्शन को अगर नेगेटिव माने इसको पॉजिटिव माने तो क्या होगा, स्मॉल एम कैपिटल एम वाले का तो मोमेंटम हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच इंटू कैपिटल एम, माइनस स्मॉल एम वाले का मोमेंटम हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच, ठीक है, और v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 कितना होगा, e टाइम्स e तो 1 है, u1 माइनस u2, तो v2 माइनस v2 मैंने स्मॉल m की मानी है, तो स्मॉल m की वेलोसिटी कितनी है u1 माइनस u2, कैपिटल m की वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एच माइनस माइनस प्लस अंडर रूट टू जी एच, ये दो इक्वेशन थी याद हो तो, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री, न्यूटन्स फार्मूला सही है यहां तक नहीं, सर आपने यू वन किसके लिए ली है सर, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा सर, ये वाला नहीं आया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो पहला कोलिजन तो होगा किसका, कैपिटल एम और ग्राउंड का, सुने पहले मेरी बात को, कैपिटल एम और ग्राउंड का कोलिजन होगा, तो कैपिटल एम किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराइए जाके, अंडर रूट 2g, तो वापस कितने से लौटेगी, अंडर रूट 2g इनटू e, e बेटा 1 है, ओके सर, ठीक है, तो अंडर रूट 2g से ही लौटेगी वापस। अब ऊपर वाली बॉल जो है इसके साथ चली आ रही थी नीचे, नीचे वाली इंस्टेंटली उछल गई ऊपर की तरफ को, तो अब अगला कोलिजन होगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, दूसरा कोलिजन क्या होगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, अब ये दोनों टकराएंगे तो उसके बाद कोलिजन की इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, तो एक तरीके से यही तो कोलिजन का सवाल हो गया, एक कैपिटल एम मास है एक स्मॉल एम मास है, जब आपस में टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, ये निकालने तरीका है, मान लीजिए ये आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम की वेलोसिटी, ये तो बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन ये पिक्चर क्या हो गई है, ये वाली वेलोसिटी जो है वो v1 हो गई है कैपिटल एम मास की और स्मॉल एम मास की v2 हो गई है, तो आप कैसे लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एम बी टू एम एम बी वन प्लस एम बी टू इज इक्वल टू कैपिटल एम अंडर रूट टू जी एच माइनस स्मॉल एम अंडर रूट टू जी एच, यही तो लिखोगे पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन पे बी टू माइनस बी वन इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, यू वन कितना है कैपिटल एम वाली, ये वन है ये टू है, U1 कितना है कैपिटल M, तो कैपिटल M की वेलोसिटी अंडर रूट 2gh प्लस की माइनस U2, U2 माइनस U2 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2gh, और इनको सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल M इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल m, तो यू कैन निगलेक्ट दिस टर्म, स्मॉल m वाली टर्म को आप निगलेक्ट कर सकते हो,
तो v1 आपको पता चल जाएगी, v1 is equal to कितना हो जाएगा, mm cancel, under root 2gh, और अगर v1 की वैल्यू अंडर रूट 2gh हो जाएगी तो v2 कितनी हो जाएगी इक्वेशन 3 से, बेटा 3 टाइम्स अंडर रूट 2gh, देखो आप अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh, 2gh, और v1 की वैल्यू उधर जाएगी तो अंडर रूट gh, 2gh, 3gh हो जाएगी ना, और ये वैल्यू बच, ये वैल्यू मतलब इसको अगर अंदर ले जाऊं तो ये कितना होगा, 9h ही तो लिखूंगा अंदर, आप देखो 3 को अंदर ले जाऊंगा तो 9h, यानी कि अब आपके पास सवाल में क्या बचा, अभी बेटा समझा दूंगा, दोबारा भी समझा दूंगा, आप कहोगे तो कल भी समझा दूंगा, ठीक है, आप लोग नेटवर्क को परेशान मत हो बिल्कुल। तो अब आपके पास एक बॉल है जो स्मॉल एम मास की, वो कितनी वेलोसिटी से वापस लौट रही है, अंडर रूट टू जी नाइन एच से, तो बताओ कि कितनी हाइट तक जाके रुक जाएगी, 9h, सीधी सी बात है 9h, तो आंसर क्या होगा 9h, बी ऑप्शन, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी और बीच में कटी नहीं होगी वो लोगों को लगा भी होगा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप एक बॉल के ऊपर, जैसे आप घर में आपके पास दो बॉल हो, एक बड़ी बॉल हो फुटबॉल टाइप, एक कोई स्मॉल कोई छोटी बॉल, और आप उनको रख के ना छोड़ देना जमीन पे, जब टिप खाएगी ना तो आप देखोगे सबसे पहले कैपिटल एम मास जो है टकराएगी, जब वो वापस लौटेगी तो मास बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, बहुत तेजी से, कितनी दूर ऊंचाई पे उठ जाएगा, 9h, मतलब जितनी हाइट से गिराओगे उससे भी कई गुना हाइट ऊपर, या प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं इस बात को। तो एट द इनिशियल स्टैंड देयर इज अ वन, देयर इज अ कोलिजन ऑफ कैपिटल एम एंड ग्राउंड, एंड उसके बाद क्या हुआ, एंड कैपिटल एम जब लौटा वापस ग्राउंड तो लौटेगा नहीं, कैपिटल एम लौटा तो वो किससे टकराया, स्मॉल एम से, और कैपिटल एम और स्मॉल एम की वेलोसिटी गिवन है, दोनों का मास गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी स्मॉल एम की बतानी, वो कितनी आई सॉल्व करने के बाद, अंडर रूट टू जी नाइन एच, अब कोई अंडर रूट टू जी नाइन एच से अगर जाएगी वेलोसिटी से तो कितनी हाइट तक पहुंचेगी, आप निकालना चाहो तो इसको कैसे निकाल सकते हो, ये एच मान लो, कुछ लोग अगर ये नहीं समझ पाए हो, बाद में जहां तक जाएगी वो रेस्ट होगा, तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh लगा दो प्लस 2s वाली फॉर्मूले से, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अंडर रूट 2g इनटू 9h माइनस 2g, s की वैल्यू में h, तो यहां से 2g 2g कैंसिल हो जाएंगे तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9h, यानी कितनी हाइट तक वापस लौटेगी 9h तक, अब भी समझ में नहीं आया तो बताओ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा, यस सर क्लियर। v2 माइनस v1 ही आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से लिखा है बेटा, कल की क्लास में थे आप, ये बताओ पहले, यस सर थे, तो एक न्यूटन्स फार्मूला लिखा था ना, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2, यस, e की वैल्यू 1 है और ये अंडर रूट 2gh है और ये माइनस माइनस अंडर रूट 2gh है, ओके सर, समझ गए, e की वैल्यू 1 है, अब चल सकता हूं मैं आगे, आप लोग बाकी देखना, कुछ चिंतन करना, नहीं समझ में आए तो कल पूछ लेना फिर से, मेरी आवाज अब क्लियर है, थोड़ा स्टेबल है कनेक्शन, हेलो, हाँ सर, स्टेबल है सर कनेक्शन, सर एक बेसिक क्वेश्चन है सर, जब कोई चीज हमारे फ्रीली फॉल होके नीचे गिरती है तो सर वो सेम टाइम पे पहुंचती है, बट सर एक्सेलरेशन तो मास पर डिपेंड करता है, तो सर सब एक टाइम पे कैसे पहुंचते हैं, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है, किसने बताया सर, मतलब हम लोग mg लिखते हैं ना सर, एक्सेलरेशन जो बॉडी खींचती, अर्थ खींचती है हम लोगों को चीजों को, वो फोर्स होता है, वो फोर्स होता है बेटा, एक्सेलरेशन नहीं, ओके सर, एक्सेलरेशन ओके सर, लिखा हुआ है मैंने gme ऊपर,
इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास. तो आप अगर किसी एक छोटे से पार्टिकल को गिराओ चाहे एक बड़ी सी किसी बॉडी को गिराओ सब साथ पहुंचेंगे नीचे. ठीक है ना, तो फ्री स्पेस में ना, फ्री स्पेस की बात हो रही है. अगर आप इसमें फ्री स्पेस नहीं लाओगे तो ये सवाल बहुत टिपिकल है, फिर आपसे हो नहीं पाएगा कुछ. हम हमेशा आइडियल सिचुएशंस पढ़ते हैं. आपने सुना है आइडियल गैस, क्यों पढ़ी गई आइडियल गैस? आइडियल फ्लूइड्स पढ़े नहीं? क्यों पढ़ते हैं ये सब जब होते ही नहीं है? तो क्यों पढ़ते हैं? तो आपसे प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी. तो पहले आइडियल सिचुएशन लेके चीजों को सॉल्व करा जाता है, उसके बाद उसमें फैक्टर्स डाले जाते हैं, है ना. तो आइडियल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी औकात नहीं सही रियल चीज पढ़ने की. आपने देखा होगा एक इक्वेशन PV is equal to nRT का क्या हाल होता है. केवल ये दो बातें इसमें जोड़ दी गई हैं तो ये हाल हुआ है. एक तो ये कि मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है और उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होता है. अभी और फैक्टर जोड़ दूंगा तो ये और आ जाती है सिचुएशन. आपने सुना होगा ये इनको वेरियंस बोलते हैं इनको. अभी और फैक्टर जोड़ दूंगा तो हो सकता है कुछ और टर्म इसमें भी ऐड हो जाए, समझ रहे हो ना. तो ये इतनी कठिन हो जाएगी फिर समझ ही नहीं पाओगे. इसीलिए कंप्यूटर से हम लोग सिमुलेशंस वगैरह करके रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं क्योंकि तब इंटीग्रल इक्वेशन तब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, समझ रहे हो. यही रिसर्च में करना होता है. ठीक है पैदर और पैनी वाला जो एक्सपेरिमेंट है मैं सब वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में, ये लोग देख. कौन सा वाला बेटा? पैदर और पैनी न्यूटन. अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप लोग, हां वीडियो है वो वाला भी है. ठीक है अब हम आगे थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर रहे हैं. टेस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी टेस्ट में कुछ टेस्ट मिला रहे हैं क्योंकि मैं आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको कोलिजन पढ़ाना चाह रहा हूं. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट पार्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास. What is the meaning of center of mass? क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी. ये थोड़े स्पेशल टॉपिक्स हैं जो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जानबूझकर, यही सब डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ लिया तो सब हो जाएगा. अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो तब पता चलेगा ना जब आपको सेंटर ऑफ मास पता हो. तो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट एट विच होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी और ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अपीयर्स टू बी कंसिस्टेंट concentrated means ऐसी कोई जगह नहीं होती किसी बॉडी की, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास कोई मीनिंग रखता है. ऐसे समझ लो सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पर आप सारे मासेस को कंसंट्रेट मान सकते हो और पूरी स्टडी को, इस पूरी रिजिड बॉडी को अगर स्टडी करना है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करना है तो एक्सेप्ट द स्टडी ऑफ ऑल पार्टिकल्स you can study only one particle by replacing rigid body by center of mass. Center of mass की क्या definition है? वह काल्पनिक point, एक काल्पनिक imaginary point है जिस पर आप ये मान सकते हो कि सारा mass यहीं केंद्रित है. ऐसा कह लो जैसे कि इस पूरी body में, पूरी body जो है वो सब जो ऐसा कर रही है जिसका ले रखा है, ऐसे कह लो. या फिर ऐसे कह लो कि सारे फोर्सेस इसी पर मान सकते हैं. आप पूरी बॉडी पे कहीं भी फोर्स लगाओगे ओवरऑल फोर्स यहीं लगेगा. तो इसकी डेफिनेशन एक ये भी बनेगी कि भाई सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, इज ए पॉइंट और इमेजिनरी पॉइंट इन द बॉडी एट विच वी कैन कंसीडर दैट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, तो जब कभी भी आपने देखा भी होगा ब्लॉक बनाते हो, तो ब्लॉक बनाते हो तो क्या दिखाते हो? mg यहां लग रहा है. कहां से दिखाते हो? इस पॉइंट से दिखाते हो. fr नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रही है, अप्लाइड फोर्स यहां लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे ही तो दिखाते हैं. तो ऐसा लगता है जैसे हम पूरी बॉडी का डिस्कशन ना करके क्या कर रहे हैं, हम एक पार्टिकल का या एक पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं.
ऐसा डिस्कशन करना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि पूरी बॉडी के हर पॉइंट का डिस्कशन करना बहुत आसान काम नहीं है। इस पूरी बॉडी के हर पॉइंट का डिस्कशन करना बहुत आसान, जब कभी भी हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का, एट दी लास्ट जो लास्ट यूनिट रहेगी आपकी वो यही रहेगी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और वहां पर हम देखेंगे कि जो काम हमें पूरी बॉडी से करना होगा वो हम पूरी बॉडी से ना करा के केवल एक छोटे से पॉइंट से करवाएंगे, तो आपको समझ आएगा, तो आप समझा पाओगे किसी को। ठीक है, तो क्या है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच वी कैन कंसीडर ऑल द मासेस आर सेंटर्ड और कंसेंट्रेटेड, और यू कैन से कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच यू कैन कंसीडर ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की दो चीजें हमें बड़ी जरूरत पड़ती है, एक तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दूसरी चीज की हमें जरूरत पड़ती है क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन की अगर बात करें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, we are always discussing two types of problems, either you can discuss system of particles or you can discuss rigid body. Rigid body kya hai, continuous system of particles, aur jo alag alag point particles hai unko bolte hai discrete system of particles. So for example a rigid body contains several points masses, ye bahut sare masses hain, aur in sab ke jo position vectors hain वो आर आर टू है, ये आर वन है पोजीशन, ये आर टू है पोजीशन, ये आर थ्री है, कुछ भी दिखा दूं एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मान लीजिए आरसीएम है। ठीक है, आरसीएम डिनोट करने के तरीके हैं, और ये मासेस जो है वो एम वन M1 है, M2 है, M3 है, दिख रहा है आप लोगों को साफ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बना दिया, एक मिनट उसको हटा ही दे, पॉइंट मास है इसका आर वन है, ये वाला है मान लो आर टू है, ये मास एम वन है, ये एम टू है, ये आर टू है, और ये एम थ्री मास है, ये आर थ्री है, इस तरीके से। ठीक है, आपको सही लग रहा है ना, और इनका सीएम यहां कहीं है और भी, तो जो आर सीएम डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, कि सारे मासेस का इंडिविजुअल मूवमेंट एम वन आर वन, एम टू आर टू एंड सो ऑन सो फोर, ये इंडिविजुअल मासेस का मूवमेंट है, उनका वेक्टर सम, अगर सारे मासेस अगर मैं इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट मान लू, ऐसा मान लू सीएम पर बैठे हुए
और उनके सीएम पर रखने के बाद मोमेंट के बराबर आ जाए, तो यू कैन रिप्लेस दिस होल सिस्टम बाय ए सिंगल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. सो आर सी एम इज इक्वल टू हाउ मच, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाई एम एम आई, यही होगा. ये तो है पोजीशन. अब आपको पोजीशन अगर निकालनी है तो भाई अगर मान लो आरसीएम को मैं कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एक्ससीएम आई डैश प्लस वाईसीएम जे डैश प्लस जेडसीएम के डैश, और इधर वाला लिख लूं क्या समेशन एमआई आरआई की जगह लिख लूं एक्स एक्सआई आई कैप वाईआई J cap, Z I, K cap, divided by summation M I. तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे को XCM क्या मिलेगा, कंपेयर करूं तो XCM क्या मिलेगा, अंडर रूट सॉरी समेशन एक्स आई एम आई डिवाइडेड बाई समेशन एसी वाई समेशन एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन आई एम आई एंड जेड सी एम मिलेगा समेशन आई M I Z I divided by summation M I J. दिलाग हो रही है. पानी हेलो हेलो यस सर आवाज आ रही है. यस सर अब की बार कटती है ना क्लास, कटती है अब की बार. अब की बार अगर गड़बड़ हो रही है तो कट रही है सर. तो ऐसा है क्लास अभी इस वाली यहीं कटते हैं, आगे नहीं बढ़ा. ठीक है आप लोग इस वाली क्लास को छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. आज ही नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा पढ़ा देना. ओके सर स्क्रीन तो शो कर दो एक बार सारी. हाँ ज्यादा पढ़ा देंगे वही मैं. सर स्लाइड शो कर दो ना. सर ब्लैक कर दीजिए. क्या हो रहा है इधर? गए सर गए. फिर तुम भी चलो यार. अब देख लेते हैं दो मिनट. आगे सर अभी दे रहा था हॉटस्पॉट. नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 7 to 8:30. उसको भी कैंसिल करवा दे यार. नेट का फॉर्म अभी नहीं आया ना? नेट का फॉर्म नहीं, कोरोना खत्म होने के बाद आएगा. नेट का ये क्या हो रहा है? होगा भी कि नहीं जून में? नहीं आज यूजीसी नेट का आने वाला था. एडमिट कार्ड उनका ही एडमिट कार्ड नहीं है. ओपन होने वाला है, एडमिट कार्ड आने वाला है. 2 मई को एग्जाम बता रहे हैं.
उनका ही एडमिट कार्ड नहीं आया तो क्या आएगा आपका? उनका दो नहीं कोई एग्जाम है, लेकिन एडमिट कार्ड कहाँ आया है? नहीं अभी उनका नोटिस आया कि हफ्ते में एडमिट कार्ड आया है। आ गया है उनका नोटिस आया है। अरे उनके फॉर्म तो भर गए, अपने फॉर्म भी नहीं भरे। पैसा चाहिए। जस्ट क्या होगा, कोई है किसी को पता? सही है तो जस्ट डिले होगा, तो कर लेगी पोस्टपोन होगा, नेट एक साथ होगा, एक दिन में एक साथ होगा। जस्ट का फिर से निकलने वाला है क्या फॉर्म? कितना पैसा चाहिए? पैसा चाहिए तो फॉर्म निकलेगा फिर से। मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज देख लेना, जिसने देख रखा है वो मत देखना, जिसने नहीं देखो देख लेना। रहने दो अभी तो ब्रो, कहाँ सेंड कर रहे हैं ब्रो? ब्रदर कहाँ सेंड हो रही है वीडियो? ग्रुप में करते हैं।